स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, आज उनकी 30वीं डेथ एनिवर्सरी पे हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए पूरे भोगोड़ के इलाके और कांग्रेस कमेटी के लोग जहाँ पे शामिल हैं सिंबॉलिक तौर पे सही, क्योंकि कोरोना की इस जंग में सिंपल तौर पे और इम्प्रेसिव तौर पे प्रोग्राम रख के उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित जहाँ पे किए जा रहे हैं, आज उनको याद करते हैं कि 40 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री यहाँ पर बने। नौजवान साथी अपने आप को गौरवशाली महसूस करता है कि वो पूरी दुनिया के वायद एक इलेक्टेड हेड में से एक छोटे सी उम्र में बनने वाले, जीत के आने वाले वो नौजवान साथी थे स्वर्गीय राजीव गांधी। 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने क्रांति लाई, उनको एक 21वीं सदी का आर्किटेक्ट भी माना जाता है, जो विजनरी लीडर यहाँ पे थे। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूती करने की बात करें, चाहे BDC DDC चुनाव अमेंडमेंट ला के आज हर एक वर्ग को शेड्यूल कास्ट हो, रिजर्वेशन हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो कदम यहाँ पे उठाए। और मैं महसूस करता हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने वोटिंग राइट एज कम करके नौजवानों को के पोलिटिकल एम्पावरमेंट मिले, उन्होंने अपना रोल यहाँ पर अदा किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं समझता हूँ कि देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने जान यहाँ पे दी। आज हम सब कार्यकर्ता भी प्रण लेते हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए देश की एकता अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत यहाँ पे झोंकेंगे, ताकि एक अच्छा सा खुशगवार माहौल में बन पाए और वही हमारी तरफ से स्वर्गीय राजीव गांधी को के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।